नमस्ते, मेरा नाम उमेश है। उमेश टॉक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि सर्विस प्लस का जो वेबसाइट है उसके रिगार्डिंग मैं लगातार आपको अपडेट देते आ रहा हूँ। तो अभी जो है कुछ और भी अपडेट निकल के आए हुए हैं, जैसे कि 1, 2, 3 नहीं 4 ऐसे अपडेट निकल के आए हुए हैं जिसके बारे में आपको हम स्टेप बाई स्टेप बताने जा रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बढ़ते हैं पहले अपडेट के सामने। तो पहला अपडेट जो यहाँ पे निकल के आया हुआ है वो आपके सर्विस प्लस वेबसाइट जैसे ही आप ओपन कर रहे होंगे ना, तो आपको डिस्प्ले पे ही देखने को मिल रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया गया है कि अब जो भी आय जाति निवास प्रमाण पत्र या फिर आचार प्रमाण पत्र है, जो जिसको आप GAD एप्लीकेशन बोलते हैं, ये सारे सर्टिफिकेट जो है आप रात के 12 बजे से लेकर शाम के 3 बजे के बीच में ही बना सकते हैं। या फिर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, स्टेटस चेक करना चाहते हैं, तो वो भी काम जो है रात के 12 बजे से लेकर दिन के 3 बजे तक, यानी कि दोपहर के 3 बजे के बीच में ही आप कर पाएंगे। तो ये जो है, मतलब जैसे कि मैंने आपको जानकारी दिया था कि सर्विस प्लस का जो वेबसाइट है वो जो है रिसेंटली यहाँ पे उसके सर्वर में ख़राबी आई हुई है, तो उसका जो है मेंटेन का काम चल रहा है। वैसे तो आप नोटिस कर ही रहे होंगे क्योंकि सर्टिफिकेट बनाने में कितना जो है दिक्कत आपको हो रहा है। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर जो है मेंटेन करने के लिए अधिकारी लगे हुए हैं, तो इसीलिए जो है उस पीरियड में मेंटेन किया जाएगा, यानी कि शाम के 3 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक इसको मेंटेन किया जाएगा, और रात के 12 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक इसमें आप सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह के काम कर सकते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि आखिर अपडेट क्या है, तो आपको पता लग गया होगा क्योंकि जो है मेंटेन में चल रहा है, इसलिए जो है आपको इस तरह का अपडेट जारी किया गया है। साथ ही साथ कुछ और अपडेट है जिसके बारे में आपको हम बता देते हैं। दूसरा अपडेट दोस्तों ये निकल के आया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको रिसेंटली वीडियो बनाकर बताया था कि सर्विस प्लस पर जो भी सर्विस अवेलेबल है उसको जो है लॉगिन करके ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फ़िलहाल बिना लॉगिन किए हुए सर्टिफिकेट आप इशू करने के लिए क्लिक कर रहे थे तो वहाँ पे हैच लगाकर उसको ब्लॉक कर दिया गया था, लेकिन अभी जो है इसको एक्टिवेट कर दिया गया है। अब अपने यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप जो है बिना लॉगिन किए ही आप यहाँ पे सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है लिंक ओपन हो रहा है और आसानी से यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू हो जा रहे हैं। हालांकि सर्वर में प्रॉब्लम होने के चलते अभी भी बहुत सारे दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया गया है तो अब आपको लॉगिन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई सारे लोग पूछते हैं कि क्या हम लॉगिन करके ही करेंगे तो सर्टिफिकेट बनेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आपके पास दोनों विकल्प है। आप लॉगिन करके कीजिएगा तभी बढ़िया है, या फिर बिना लॉगिन के सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों माध्यम से आप बना सकते हैं। जनरली जो साइबर कैफे वाले होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता है कि लॉगिन करके सर्टिफिकेट इशू करें, तो उनके लिए बढ़िया विकल्प होता है वो बाहर से ही यहीं से क्लिक करके सर्टिफिकेट को इशू कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि अभी जो है क्लिक हो रहा है, चाहे निवास जाति जो भी है वहाँ पर क्लिक हो रहा है, आप क्लिक करके खुद देख लीजिएगा यहाँ पे जो भी ब्लॉक किया गया था उसको हटा दिया गया है। अब यहाँ पे तीसरा अपडेट के सामने हम बढ़ते हैं। तो आप में से काफ़ी सारे लोग जो है 2-3 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था तो बताया था कि यहाँ पे सर्विस प्लस का जो वेबसाइट है यहाँ से बाहर से ब्लॉक कर दिया गया है, यानी कि लॉगिन करके ही अप्लाई करना होगा। तो उस वीडियो के रिगार्डिंग जो है बहुत सारे कमेंट भी आए थे और बहुत सारे लोग हमें मेल भी किए थे कि अब हम निवास प्रमाण पत्र अप्लाई करने जा रहे हैं तो वहाँ पर जो है बहुत सारे सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं, यानी कि पहले जो है आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड या फिर कोई एक डॉक्यूमेंट्स देकर हम निवास प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर लेते थे, लेकिन अभी जो है बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, तो इस पर कैसे वीडियो बनाइए, इस पर जो है कैसे आवेदन होगा। तो मैं कई दिन से लॉगिन करने के लिए, कई दिन से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन साइड मतलब बढ़िया से नहीं चल रहा था या फिर मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था। तो जब भी टाइम मिल रहा था तब भी हम लॉगिन करके देख रहे थे, लेकिन मतलब वहाँ तक हम पहुँच नहीं पा रहे थे। तो अभी जो है हम सुबह में ट्राई कर रहे थे तो पहुँचे थे वहाँ आते, तो देखे कि नहीं, कोई भी ऐसा इशू नहीं है। हो सकता है कि कुछ बग होगा, इसके कारण जो है आपको बहुत सारे सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए कहे जा रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप निवास प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कीजिएगा तो केवल आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड देकर आप अप्लाई कर सकते हैं जिस तरह से पहले करते थे। तो ये जो है उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग परेशान थे और पूछ रहे थे कि नहीं सर, यहाँ पे अब आधार कार्ड नहीं और भी बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांग रहा है। तो आपके जानकारी के लिए बता दें कि हो सकता है कि बग वगैरह वगैरह होगा, उसको रिफ्रेश कीजिएगा, वो हट जाएगा, ठीक है, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो चौथा अपडेट निकल के आया है उसके बारे में। तो चौथा अपडेट दोस्तों ये निकल के आया हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं कि पेपर के माध्यम से बताया गया है कि जो भी बिहार का सर्विस प्लस वेबसाइट है उसको जो है मेंटेन किया जा रहा है, और ये जो है लगभग 15 दिनों के अंदर मेंटेन किया जाएगा। आपके हम जानकारी के लिए बता दें कि ये जो है NIC के द्वारा बनाया गया और चलाया गया वेबसाइट है, जो कि NIC ही इसको मेंटेन करती है। तो NIC के जो अधिकारी हैं, मान लीजिए कि प्रमुख जो अधिकारी है RK सिन्हा है, उन्होंने कहा है कि इसको जो है हम जो भी हमारे डेवलपर हैं, अधिकारी हैं, उनको हम लगा दिए हैं, बढ़िया से बढ़िया लोग जो है इसको सुधारने के लिए, सर्वर सही करने के लिए काम कर रहे हैं, इसमें जो है लगभग 15 दिन लग सकता है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखना है,
10 से 15 दिन आपको वेट करना है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने कहा है कि वेबसाइट जो है बहुत ही बढ़िया से काम करेगा और सर्वर भी इसका तगड़ा होगा और थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये जो है अपडेट निकल के आए थे जो आपको बताना हम बेहद ज़रूरी समझ रहे थे। अगर आप भी यहाँ पर साइबर कैफे वाले हैं तो रात के 12 बजे से लेकर दिन के 3 बजे के बीच में ही सर्टिफिकेट बनाने के लिए अप्लाई कीजिएगा, तभी आपका सर्टिफिकेट बनेगा। और जैसे ही ये मतलब ये मेंटेन का काम हो जाता है तो इसको हटा दिया जाएगा, उसके बाद 24 घंटे यहाँ से आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।